Hey guys, welcome to our YouTube channel, Abhisha Vlogs. Woo! तो गाइस फाइनली हम हमारे पहले इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं। इसका भी मेरा भी और हम दोनों का साथ में पहला इंटरनेशनल ट्रिप। मैं आज तक इंडिया से बाहर नहीं गया, ये भी इंडिया से बाहर नहीं गई है और हम जा रहे हैं लंदन स्कॉटलैंड और वहाँ पे हम उडारियां का शूट करेंगे, बहुत ही मजा आएगा। और गाइस हम अकेले जा रहे हैं, इसकी मम्मी और इसके पापा कोई नहीं जा रहा, मेरे पापा भी नहीं जा रहे, हम अकेले जा रहे हैं। तो मैं तो बहुत ज्यादा प्रे कर रहा था कि और गाइस बहुत लेट व्लॉग आया क्योंकि डे नाइट शूट चल रहा था लंदन की वजह से। लंदन जाने के लिए हमें बैंक बनाना था थोड़ा सा, तो उसके लिए कंटिन्यूअसली शूट चल रहा था, डे नाइट 20 घंटे 22 घंटे। आई एम टोटली फॉरनर। और आपको पता है अभी लग हमें बहुत एक्साइटिंग फील हो तो रहा है, लेकिन जितना हमें ट्रैवल करना है ना उस हिसाब से हमें बहुत ही लंबा ट्रैवल करना है, बहुत ट्रैवल करना है। अभी हम खरड़ से दिल्ली जा रहे हैं, मतलब कि चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं, फिर वहाँ दिल्ली से हमारी फ्लाइट है 9 बजे की। हाँ। 9 बजे अबू धाबी की फ्लाइट है, वहाँ पहुँच जाएंगे हम कुछ 3 घंटे में। उसके बाद हमारा मतलब वहाँ पे क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, ले हुए हॉल्ट है। फिर हमारी फ्लाइट है 2:30 बजे की सुबह और 7 बजे हम कहाँ पहुँचेंगे, मैनचेस्टर। हाँ, तो वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ से भी हमें रोड ट्रिप जाना है 6 घंटे। बट मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आज तक नहीं गया, ये तो मेरे से भी ज्यादा एक्साइटेड। मुझे पसंद है घूमना, इसको एक्चुअली इतना पसंद नहीं है, मेरे को पसंद है इसकी मैं और इसलिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम दोनों जा रहे हैं, मजा आएगा, बहुत व्लॉग्स बनाएंगे, आपको कंटेंट देंगे। चलो गाइस, वैसे इसको कुछ नहीं खाना था, अब इसको चॉकलेट क्या बहुत जुकाम हो रहा था, बट आइसक्रीम एक और। हे गाइस, तो लंच हमारा हो चुका है, सब कुछ करने के बाद हमें याद आता है कि ब्लॉग में मैंने इडली सांभर खाया और मैंने पूरी छोड़ दी। हां यार, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा तुमने 4 पूरी खाई है अभी। बल्कि देखो विश्वास ये नहीं होना चाहिए कि तूने सिर्फ 4 पूरी खाई, तू मेरे को जानती नहीं है। आलू पराठे खाता है ना तू ज्यादा, और वाह मजे की बात देखो, इसने पूरे रास्ते भी खाया आलू के पराठे, फिर इसको थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगने लगी। यार रुक के भी मैं ट्रैवलिंग के टाइम ज्यादा खाना चाहता हूँ ताकि मेरा मुंह शोड़ू और मेरी बॉडी शोड़ी ना हो जाए। ओके अब यार बहुत लंबा ट्रैवल करना है, 2 घंटे का सफर रह गया दिल्ली का, फिर आगे तो पता ही है, आगे तो पता ही है, करेंगे आज हम। चलो बाय। हम इतना ट्रैवल करके आ चुके हैं फाइनली दिल्ली एयरपोर्ट, लेकिन अभी भी हम बहुत एक्साइटेड हैं। yeah. सो गया यार, यार बोरिंग सी बैठी पड़ी थी, सोई पड़ी थी। हाँ। इसने इसने किया और हम फाइनली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और हम डैनी भैया की वेट कर रहे हैं, वो आएंगी और फिर उसके बाद हम लोग चेक इन करेंगे। और फिर यहाँ की लाइटिंग बिल्कुल बेकार है, एयरपोर्ट इतना अच्छा एयरपोर्ट बना रखा है, लाइट थोड़ी कम है, जाएगी लाइट आएगी, लाइट में जो तो गाइस हम कितने बजे, हम 4:30 हुए हैं, 4:30 बजे पहुंच चुके हैं और हमारी फ्लाइट है 9 बजे और चेक इन हम 3 घंटे पहले कर सकते हैं, मतलब हमें इतनी ज़्यादा वेट करनी पड़ रही है। बट इसके साथ वेट करना, क्या कर रहा था बताओ, क्या एयरपोर्ट पू कर रहा था, चलते चलते पू कर रहा था। क्यों भाई, मैच ठीक है ना, as you wish, you don't have any choice, choice well, you have choice, shut up, you have choice but you don't. mere chote se gulla nahi badu gudda। Hey Danny bhaiya, are you excited? Beautiful Beautiful
Look at the line. Beautiful. 0.5. Okay, so we have checked in और अब हम लोग निकलेंगे. 9 बजे हमारी फ्लाइट है. That's अभी. Okay. No, thank you. Yay! Oh guys, Delhi Airport is so beautiful. International Airport. हाँ. Actually not normal वाला. Normal वाला भी अच्छा है काफ़ी. और जो international flights जहाँ से जाती हैं वो भी बहुत सुंदर. It's very beautiful. नेक्स्ट टाइम यहीं से शॉपिंग करेंगे. अभी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि यहीं से शॉपिंग कर. हाँ तो व्हाई यू मेकिंग दैट फेस? तू नहीं करा सकता क्या शॉपिंग? नहीं. क्यों? आई डोंट हैव मनी. ओह अरे भाई मैं व्लॉग बंद कर रही हूँ. बस बस झूठ की सारी हदें पार. बाय. You're not interested? Shades नहीं खरीदने आपने? आपने तो already इतना. Yeah. Looks nice. Beautiful. Yeah. Beautiful. ये सिर्फ कुछ नहीं लेना इसने. मैं शर्त लगाती हूँ सिर्फ टाइम पास करेगा. भाई कुछ नहीं लेगा ये. कुछ नहीं लेगा ये. अभी यहाँ की हाँ देखती हुई बार गलत भी हो सकती है मे भी क्योंकि ये ले लेता है. देखते हैं चलो. 3 2 1 We have to board in half an hour. कुछ खरीदना है? Beautiful. I like it. ले लिया तूने? नहीं देख रहा हूँ. देख रहा है अभी देख रहा है. क्या बोला इसने? एक मैंने कुछ. Oh dude मैं फंस गई. मेरी prediction गलत हो गई. अभी ने शेड्स ले लिए. क्या लिया अभी? मैंने लिए हैं कहाँ गए? Don't propose me now. ले लिए तूने? बर्बरी के शेड्स लिए. Looks so cool. Thanks. I was wrong as always. You were wrong this time. Woohoo! कितने टाइम के बाद हमने मैकडी खाया. ये सो वी गाइस आर बोर्डिंग इन. हम जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर. बट मेरे को बहुत डर लग रहा है. बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि मैं बहुत बड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ और मैं 1.5 घंटे की फ्लाइट ही बहुत मुश्किल से वो करता था. और अब तो यहाँ 3 घंटे फिर 8 घंटे नेक्स्ट फ्लाइट. ओके गलत जा रहे वहाँ जाना. तो मुश्किल होने वाला है. बट इट्स ओके. डिस्ट्रैक्शन तो है मेरे पास. सो हाउ इज योर फीलिंग? गुड. ओनली गुड. चेक आलू वाला पराठा. तो गाइस आपको हमारा फेस देख के पता लग गया होगा हम कितने टायर्ड हैं. ये
तो कम लग रही है, बट मैं बहुत ज़्यादा लग रहा हूँ। और फाइनली आफ्टर 3.5 घंटे इन फ्लाइट एंड अब हॉल्ट है 3 घंटे का, फिर 8 घंटे की फ्लाइट, फिर उतर के 3 घंटे का रोड। एक्साइटिंग ना, लेट्स गो लंदन। क्या पी रही हो? कोल्ड हो गया बेचारी को। ट्रैवलिंग के टाइम पे कुछ ना पी, मेरे हैंड। मिस्टर टैलेंटेड, विदिन 2 मिनट्स इन्होंने अपना इंटरनेशनल कार्ड ओपन किया और क्रेडिट करवा लिया। इसी से तो कब से नाक साफ कर रहे हैं अपनी लोग। नकोड़ी। सो ईशा, कितना टाइम रहेगा हमें पहुंचने? 12 आवर्स। हमें एक दिन तो हो चुका है, एक दिन हो गया, 10 बजे निकले थे, 14 आवर्स हो गए। अभी 12 आवर्स और लगते हैं। 8+3 फिर 3 मोर 14 आवर्स। वाओ, किसने बोला प्लेन में जाना जल्दी पहुंच जाता है? यू गाइस वांट टू गो लंदन, लेट्स गो यूके। सो रेडी फॉर द नेक्स्ट फ्लाइट? रेडी फॉर द नेक्स्ट फ्लाइट? शी इज नॉट फाइन, उसको कोल्ड हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया, उसको ठंड भी लग रही है। I started looking fair, a foreigner के गोरे लग रहे हैं। हाँ, हम तो मनाली जाके गोरे हो जाते हैं, ये तो तब भी। अपनी आईलैश तो दिखा दे जो तुमने परमानेंट करवाई है। Extensions कर। हाँ, sorry, extensions। और वो जो तू हमेशा दिखाने की एक्टिंग करती है। वो देख गए होंगे सबको। अच्छा अच्छा। Actually have something in mind. अभी देख लो, कुछ तो है मेरी आँखों में, मेरे को पता है। बाल है। So, are you ready for the next flight to London? Yeah. She's not ready. She's not well. Cold हो गया बेचारी को. But we are ready. We are going to London. Woo! I'm so excited. और हमारा stay London में होने वाला है. हमारा stay Scotland में नहीं है. हम लोग पहले ग्लासगो जाने वाले थे, बट लकीली पहले 2 दिन जाके हम लंदन तक बिताएंगे, क्योंकि हमारा शूट लंदन में है। तो हम पहुंचते हम फ्री होंगे। मैं इस बात के लिए इतनी एक्साइटेड हो गई कि जुकाम हो गई। नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा। अभी अंदर जाएगी, ब्लैंकेट लेगी और सो जाएगी 8 घंटे। और कल हम बिल्कुल सोने वाले नहीं हैं, कल हम घूमेंगे लंदन में एंड देन परफॉर्म करेंगे शूट। लेट्स गो। Danny bhai, say hi. Hi. Oh yeah? Oh yeah? Let's fly. जेट स्ट्रीम देखना। देख रहा है? इसको नहीं देखेगा ईशा। So guys, finally हम land होने वाले हैं और इसकी हालत
So finally we have landed in Manchester. And आगे की स्टोरी तो बताओ इनको क्या है भाई. ओ भाई मैनचेस्टर लैंड कर गए और अब डैली भैया जा रहे हैं मैनचेस्टर से ग्लासगो बाय मेट्रो एंड हम दोनों जा रहे हैं लंदन. कुंभ बाद आ रहे हैं भाई. और जा कितने बजे रहे हैं? 7 बजे. अभी 7 बजे भैया कोई 12:30. Big time difference again, and we have almost traveled completely for 20 hours, 4 more hours left, and then it will be 24 hours completely. It's done, na? It's done. India mein 1-2 baje. Achha, oh yeah, according to the Indian calendar, it is already. Yeah. So, let's go. Danny, bro. मैंने change कर लिया because मुझे ठंड लग रही थी. मैंने भीड़ी के लिए भी जैकेट निकाली है पर पहन नहीं रही है अभी क्योंकि ठंड नहीं है. है नहीं. ये सो फाइनली बिट फ्रेश. हाँ थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है. थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है. और हम कहाँ पे हैं? मैनचेस्टर. मैनचेस्टर का ट्रेन स्टेशन. ट्रेन स्टेशन. और यहाँ से हम जाएंगे लंदन. और हम बहुत थक चुके हैं. नहीं थके हैं. मैं तो थक गया हूँ भाई. मेरे पैरों में क्रैम्प आ गए हैं और बहुत थक गया हूँ. गुगलू से तो हो ही गया हूँ. हमारा लगेज देख रहे हो ब्रो. सो गाइस वी आर वेटिंग फॉर आवर ट्रेन. और मैं यहाँ पे फोन चार्ज कर रहा हूँ. बहुत मुश्किल से प्लग इन हुआ है और इस कैफे में बैठ के कॉफ़ी पी रहा हूँ. निशा दिखाता हूँ मैं. हमें ट्रेन मिल गई है और अब हम जा रहे हैं. पहले किससे जा रहे हैं पता नहीं. पहले कहीं तो जा रहे हैं. इसमें कोई गाड़ी देनी चाहिए. और हमारा लगेज देखो. ये सारा लगेज अपनी पंजाबी. पंजाब लंदन की पंजाबी. हाँ भाई अब तो प्लीज हो गई. अब थोड़ी क्या बताइए. अब तो भाई अंग्रेज दिख रहे हैं ना तेरे को. तो अब अंग्रेज. ये तो मेरे को तेरे ऊपर लाइन मारनी चाहिए. I am the nothing ना ना. You are what? बोल बोल दे. चलो बोल. दूसरी ट्रेन पकड़ने में हमें सिर्फ 10 मिनट थे और हमने 3 प्लेटफॉर्म चेंज किए. पूछा कहाँ से ट्रेन मिलनी है. तीन बैग्स. और हमारे बैग्स कैसे ऐसे. एक ये तो हमारा है ही नहीं. ये है उड़ारिया लिखा हुआ दिख रहा होगा. ये दिस वन और एक पीछे रखा है. और ये छोटे छोटे बैग्स हमारे. और एक बैग. इसको भी उठाना बहुत मुश्किल. Welcome on board the Guernsey West Coast Service to London Euston. मुझे actually पसंद है travel करना. तो मुझे इतना कुछ बोझ लग नहीं रहा. If you see something that doesn't look right, speak to staff. बोझ से ही आई है ये. झगड़ते मरते झगड़ते. 6-1-0-1-6. We'll sort it. झूठ मत बोल में. Say it. Sort it. Plane में नहीं active. बिल्कुल active नहीं थी. और हम plane में तो नहीं. There is no space.
There's no space. We have to adjust, please. Slow hanging. Look at the compartment down there. There's no space. So that one of them left. So guys, finally landed to London. Woo! And waiting for our taxi. बहुत ही सुंदर है भाई. और हम अपनी टैक्सी का वेट कर रहे हैं और क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके बैठा हूँ, ओवर कंट्रोल. तो जिसने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया उसने दुनिया जीती, कहीं तो मैंने सुना था, तो वही कर रहा हूँ, दुनिया जीतने की ट्राई. Yay, अभी won. So guys, बहुत मेहनत मुशक्कत के बाद हमें हमारी टैक्सी मिली. मेहनत मुशक्कत सब साइड मेरा और तू साइड. जब मैंने इतना काम नहीं हैंडल किया हर चीज को. इसको एक्चुअली जब मेरे को इसके बारे में इतना ही पता है कि आई क्या क्या ही बताऊं मैं इसको. जब गुस्सा आता है और ऊपर से ऐसी कोई चीज हो रही हो जो डीले हो, फिर उसको और वो गुस्सा डबल हो जाता है. और ऊपर से मेरे पैरों में इतने क्रैम्प्स आ रहे हैं. पर मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किया क्योंकि पता क्यों, हम जब फ्लाइट में कबीर सिंह देख रहे थे उसमें वो डॉक्टर बोल नहीं रहा था कि मुझे लग ही रहा था कि तो डालो उसमें बोलता है कि गुस्सा हर किसी को आता है पर जो बंदा उस चीज को काबू कर लेता है वही जिंदगी को जीत जाता है. तो मैंने उसको थोड़ा सा अपने जहन में रख के उसको बड़े अच्छे से किया. और अब हम जा रहे हैं अपने होटल और वहाँ बस पहुंचने के बाद हम व्लॉग एंड कर देंगे होटल का व्यू. हम अलग क्योंकि ये हाँ एक्चुअली हम लंदन घूमने का अलग व्लॉग बनाएंगे बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप टुगेदर. तो ट्रैवल व्लॉग है ये. यस. Hey my girl, what's up? How's your feeling now? You want to sleep? So guys, अब हम पहुंच चुके हैं अपने होटल. दर्शन. और यहाँ पे हम व्लॉग अपना एंड करते हैं और इसके बाद हम आपको थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर ट्रैवल व्लॉग गाइज. और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें. थैंक यू सो मच.